सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो एंड अनदर व्लॉग। एंड आई नो कि व्लॉग काफी दिन बाद आ रहा है बिकॉज क्लास पे एक व्लॉग नहीं आ पाया था एंड ऑल्सो व्लॉग आने में काफी टाइम लग रहा है। लाइक गाइस, ये व्लॉग अभी शूट हो रहा है 17 सितंबर में एंड आई डोंट नो कि आप तक कब आ रहा है। आई थिंक एक वीक ऐसा कुछ डिले में आ रहा है बिकॉज यार टाइम बिल्कुल नहीं हो पा रहा है एडिटिंग वगैरह का एंड ऑल्सो तबियत अभी रिसेंटली थोड़ी डाउन हो गई थी बिकॉज यार वेदर यार अपने यहाँ का काफी खराब हो चुका है। एंड बाकी गाइज, आज है 17 सितंबर एंड ये आज एशिया कप का फाइनल भी है तो घर आके आज वो वापस फाइनल भी देखना पड़ेगा। बाकी अभी बज रहे सुबह के 7 एंड अभी हम लोग निकल रहे ब्रेकफास्ट राइड के लिए, मॉर्निंग राइड के लिए। एंड रूट आप लोगों को पता ही है, सबसे वही एक ही रास्ता। सो यह हमेशा की तरह काफी लेट हो चुके हैं तो अभी जल्दी से फटाफट निकलते, गियर अप होते हैं एंड मिलते हैं आपसे मोटो ब्लॉग में। ऑलराइट गाइस, सो अभी बज रहे होंगे सुबह के 7:30 या 7:15 एग्जैक्टली, आई डोंट नो, बट अभी हम लोग घर से निकल चुके हैं एंड लेट काफ़ी हो चुके हैं। लेट इन द सेंस देखो टाइम का कोई पाबंदी नहीं है बट काफ़ी धूप निकल चुकी है एंड अभी इस कड़कते भड़कते धूप में राइड स्टार्ट करने में थोड़ी सी तो फटेगी। बाकी आज प्लान था सोलो जाने का, सोलो इन द सेंस मैं और मेरे पिलियन, हमारा ही जाने का प्लान था, बट कुछ भाई लोग हैं जिन्होंने कहा कि भैया हम भी चलेंगे तो मैंने कहा चलो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी अभी सबसे पहला काम हमें फ्यूल अप करना है बिकॉज लो फ्यूल लेवल दिखा रहा है यहाँ पे। एंड और एक चीज जो आज मुझे पता चला, मेरा पिछला वाला जो ब्रेक पैड था ना वो मतलब पूरा गया, मैं तो टूट गया, मतलब थोड़ा सा बचा हुआ है बट मतलब समझ लो कि उस कंडीशन में चेंज करवा देना चाहिए। सो अभी मैं पिछला वाला ब्रेक का ज्यादा यूज नहीं कर सकता, सामने वाला का यूज करते रहते हैं। बाकी देख सकते हो सुबह सुबह यहाँ पे कितनी जैम लग चुकी है। सुबह तो अभी है नहीं, 7:30 बज चुके, मतलब हो चुका है टाइम लोगों का निकलने का। सो दिस इज द ओनली रीजन हम लोग प्रेफर नहीं करते ये इतना लेट निकलना। एंड बाकी गाइस, आज विश्वकर्मा पूजा भी है तो उस चीज़ का भी ध्यान रखना पड़ेगा, ऐसे ऐसे लौटते वक्त थोड़ा सा जैम मिल सकता है, ऐसे आज है या कल है आई डोंट नो, बट अभी से जो है थोड़ा सा उसका इफेक्ट दिखना चालू हो चुका है, आज नहीं बल्कि कल से ही दिखना चालू हो चुका है। विश्वकर्मा पूजा जिन लोगों को नहीं पता उन लोगों को बता दूँ कि जो मशीनरी होती है जितनी भी, जैसे कि अपनी बाइक्स है देन कोई भी मशीन आइटम, उन चीज़ों का भगवान माना जाता है। तो उस दिन जो है बाइक्स देन आपके घर में जितने भी मशीन आदि है उनका पूजा किया जाता है। वैसे पूजा पाठ वगैरह में मैं उतना ज़्यादा हूँ नहीं बट फिर भी जितना मालूम है उतना हम लोग उसे शेयर कर देता हूँ। बाकी यहाँ पे देख सकते हो रास्तों में क्या हाल है भाई, डनलॉप के सामने फुल लद्दाख बना के रखा है, खतरनाक यार खतरनाक। बाइक अपनी काफ़ी देर से चल रही है रिजर्व में तो अभी इसको जल्दी से फ्यूल अप करवाते हैं। एंड आई थिंक मुझे कुछ कॉल्स आ रहे हैं बिकॉज ऐसे मैंने आप लोग कहा था कि अपने कुछ भाई लोग भी ज्वाइन करेंगे तो देखते हैं कितने दूर है वो लोग। सो गाइस, फ्यूल अप हो चुका है, अभी हम लोग जा रहे हैं हमारे पिलियन को लेने। एंड अपना एक भाई कॉल किया था अभी कुछ देर पहले, उसने बोला कि डनलॉप साइड में है, कहाँ पे है पता नहीं, तो भाई को मैंने बोल दिया जहाँ पे हाईवे चढ़ता है वहाँ पे मीट करने के लिए। बाकी अभी हम लोग क्रॉस कर रहे हैं दक्षिणेश्वर आइलैंड एंड ये देखो भाई थोड़ा उल्टा साइड से आ रहा है, खतरनाक खतरनाक लोग है अपने यहाँ पे। बाकी गाइस, सुबह के 7:30 बजे हमारा बाली ब्रिज का व्यू कुछ ऐसा एंड काफी दिनों बाद इतना अच्छा वेदर मिला है वीकेंड में, वरना यार हर वीकेंड में बारिश हो रहा था कुछ ना कुछ मतलब हो रहा था तो राइड्स नहीं हो पा रहे थे, बट अभी कुछ दिनों से बारिश नहीं हो रहा तो देख सकते हो रास्ते काफ़ी ड्राई है एंड आज का वेदर भी आई थिंक अच्छा ही रहेगा, लाइक राइड के लिए परफेक्ट वेदर है। वैसे लेटर पार्ट में थोड़ा गर्मी मिलने वाली है बट अभी के लिए काफ़ी सुहाना वेदर है। अभी ऑलमोस्ट सुबह के 8 बज रहे हैं एंड देख सकते हो धूप काफ़ी तेज़ निकल चुकी है एंड अभी हम लोग राइड स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ से। एंड ये हमारा एक भाई हमें मिल चुका है, NS125 है भाई का, तो मुझे अभी थोड़ा स्पीड का ध्यान रखना पड़ेगा एंड ऑल्सो आई हैव टू मेक श्योर कि भाई मुझे फॉलो अप कर पाए। बाकी उधर जा रही है ट्रेन, बाकी स्पीड अभी वैसे ही थोड़ी कम रखनी चाहिए बिकॉज मैंने जैसे कि आप लोगों को सुबह कहा कि मेरा पिछला वाला ब्रेक पूरा घिस चुका है, अभी मैं पूरा सामने वाला ब्रेक के भरोसे में हूँ। वैसे भी अपने जो परफॉर्मेंस बाइक्स है जितनी भी सुपर बाइक्स है उनमें सामने वाला ब्रेक ही मेन होता है, बट देखो पीछे वाला ब्रेक भी उतना ही इंपॉर्टेंट होता है, पीछे वाला ब्रेक एंड सामने वाला ब्रेक दोनों ही इंपॉर्टेंट होता है। सो इसलिए पिछला वाला ब्रेक को थोड़ा सा मुझे बचा के रखना पड़ेगा। क्या होता है ना जैसे कि जब मैं इंजन ब्रेकिंग करता हूँ तो थोड़ा सा पिछला वाला ब्रेक यूज़ करता हूँ बिकॉज अच्छा कॉम्बिनेशन बैठता है, और सामने वाला ब्रेक जैसे यूज़ करोगे तो बाइक सामने की तरफ डिप होने लगेगी। और हाईवे में यार ये क्या लेके जाते हैं पता नहीं, पर यार बहुत खतरनाक चीज़ है, जिन लोगों को मालूम है उन लोगों को मालूम है क्यों बोल रहा हूँ। ये देखो भाई इतनी क्या जल्दी है तुम्हें, ये हाईवे एक्चुअली ना पूरा टाउन के बीचों बीच से गया है तो इसीलिए यहाँ पे थोड़ा ऐसे उटपटांग लोग मिलेंगे आपको। सो गाइज, अभी धुलागढ़ टोल प्लाजा के सामने थोड़े रुके थे गोप्रो का बैटरी चेंज करने, सो वो काम हो गया एंड ये भाई चलो। एंड ये अपना अंकित भाई देख सकते हो फोन में मोटो ब्लॉगिंग स्टार्ट किया भाई ने, बाकी भाई को मैंने बोला 100 पे क्रूज करने, देखते भाई का 100 मतलब कितना है ना, आप लोगों को पता ही है बजाज में काफी स्पीड वगैरह रहता है, तो लेट्स सी। बाकी गाइस अभी हम लोग क्रॉस कर रहे हैं बिस फार्म का फैक्ट्री एंड स्मेल यार आहा क्या स्मेल आता है यहाँ से, आपको वीडियो में जो नहीं आता होगा वो फील आप लोगों को थोड़ा करा देता हूँ, ये पूरा हाईवे में ना मतलब बहुत गंदा स्मेल आता है,
कहीं कुछ मतलब मरा हुआ जानवर का इसका उसका, ये एकमात्र ऐसा जगह जहाँ पे काफी बढ़िया खुशबू निकलता है। ये हरियाली दिखना चालू हो चुके हैं, ये हरियाली जो है कोलाघाट ब्रिज में एंटर करने से पहले आता है। सो गाइस ये अपना कोलाघाट ब्रिज एंड सुबह सुबह यहाँ के नजारे कुछ ऐसे। बाकी आज भी प्लान है थोड़ा नीचे वाला साइड एक्सप्लोर करने का, पहले थोड़ा खाना पीना कर लेते हैं, थोड़ा पेट पूजा करते हैं, बाकी ब्रेकफास्ट हमने जहाँ पे लास्ट दिन किया था वहीं पे करेंगे। ये रहा हमारा होटल सोनार, तो यहाँ पे बाइक लगाते हैं एंड खाना पीना करते हैं जल्दी। जॉब दब गया क्या भाई तेरा? फिर भी लूज हेलमेट है हम लोग का सोच। अभी इसको ऐसा कर, दोनों साइड में गाल ऐसा दबा दे। हाँ अब बात कर। शुरू में ऐसा होता था, मैं सोचता था अरे हेलमेट में कैसे बात कर लेते हैं लोग। सो गाइस आ चुके हैं जहाँ पे हमारा ब्रेकफास्ट स्पॉट है, होटल सोनार बांग्ला। देख सकते हो एकदम कोलाघाट एक्सप्रेस फूड प्लाजा के अपोजिट में ही है। One eternity later. So guys, खाना पीना हो गया हमारा, अभी ऑलमोस्ट 10:30 बज रहे हैं। बाकी अभी हम लोग कहाँ जाएंगे? ब्रिज के नीचे जाएंगे, थोड़ा फोटोशूट करेंगे। तो लास्ट टाइम आप लोगों को याद है ब्रिज के नीचे काफ़ी बढ़िया रिवर साइड से एक रास्ता जा रहा था, तो वहाँ पे आज हम लोग सोच रहे थोड़ा सा फोटोशूट करेंगे। लास्ट दिन थोड़ा टाइम कम था तो वो हो नहीं पाया था। Why are you dancing? सो गाइस अभी चलते हैं इस जगह को, अलविदा करते हैं। बाकी अभी गाइस संडे राइड में उतना भीड़ भड़का नहीं हो रहा पहले जैसा होता था। देख सकते हो एक्सप्रेस फूड प्लाजा कितना खाली खाली सा है। एंड ये मैं सिर्फ 15 अगस्त के बाद से देख रहा हूँ, लोग अभी उतना ज़्यादा राइड पे निकल नहीं रहे। और मे भी बारिश की वजह से लोग नहीं निकल रहे, पर आज देख सकते हो वेदर कितना अच्छा है राइड करने के लिए, तो एकदम परफेक्ट वेदर था आज का। कहीं कोई पानी का नामो निशान नहीं है रास्ते भर में, पर एक जगह पे आपको पानी दिखेगा वो है नीचे, यानी कोलाघाट ब्रिज के नीचे देख सकते हो। और कितने सारे बोट्स, काफी खूबसूरत लग रहा है यहाँ से ये जगह। सो गाइस देख सकते हो रिवर के साइड वाला रास्ता चालू हो चुका है एंड नीचे कुछ बोटिंग वगैरह चल रहा है। क्या सही लोकेशन है यार अपने कोलाघाट में। बाकी ये जो रास्ता है नहीं सीधा आते बागनान साइड में कहीं पे जाता है, मरीन ड्राइव वापस देख सकते हो क्या खूबसूरत लगता है यहाँ से। और सामने कोलाघाट ब्रिज, बाबा जा रहा मालगाड़ी। सो गाइस देख सकते हो दिस इज द प्लेस एंड ये अपना कोलाघाट के नीचे से जा रहा है, मतलब कोलाघाट ब्रिज के नीचे से जा रहा है रूपनारायण रिवर। एंड यहाँ पे देख सकते हो कितने सारे बोट्स। क्या है तू लगेज? इसका नाम मैंने लगेज रखा है, ये कुछ नहीं करती है सिर्फ बैठी रहती है। बाकी गाइस गोप्रो अभी मेरा थोड़ा माल फंक्शन कर रहा है इसलिए व्लॉग को मैं यहीं से क्लोज कर रहा हूँ। तो अभी यहाँ पे गाइस उतना कुछ है नहीं करने को, तो अभी यहाँ पे थोड़ा फोटोज एंड रील्स शूट करके जाएंगे घर सीधा। सो गाइस इज द नेक्स्ट डे एंड नेक्स्ट वीक भी कह सकते हो, बिकॉज आज है 23 सितंबर। व्लॉग स्टार्ट हुई थी 17 सितंबर को, तब था विश्वकर्मा पूजा, देख सकते हो फूल वूल चढ़ चुका है, ये माला उसी का है पूजा हुआ था एंड अभी तक मैंने हटाया नहीं, इसको हटाना पड़ेगा फिलहाल के लिए। अभी इसको रहने देते हैं एंड अभी मैं किस लिए निकला हूँ अभी वो भी बता देता हूँ आप। जैसा गाइस मैं स्टार्टिंग में आप लोगों को बताया था मेरा ब्रेक पैड पूरा घिस चुका है, पूरा खत्म है, तो अभी हम लोग इसी को चेंज करवाने निकले हैं। एंड एक्चुअली मैं थोड़ा सुबह निकलने वाला था, अभी ऑलमोस्ट दोपहर होने वाला है सुबह सुबह, पर हमें एक सरप्राइज मिल गया एंड वो था ये, देख सकते हो यहाँ पे ये दो पंचर जो है आज सुबह सुबह लगे, क्या ही कह सकते हैं। अभी एक्चुअली पूजा वूजा का सीज़न है ना, तो हर जगह पंडाल वगैरह बन रहे हैं, तो कीले जो है पड़े रहते हैं रास्ते में, तो वो दिखते नहीं है, टायर के अंदर घुस जाते हैं, पंचर हो जाता है। बाकी गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं KTM चिनर पार्क। लास्ट संडे व्लॉग उतना हो नहीं पाया था बिकॉज हमारे GoPro ने थोड़ा धोखा दे दिया था, तो हमने सोचा कि आज थोड़ा व्लॉग को कंटिन्यू कर लेते हैं। सीरियसली यार अभी वीकेंड के अलावा मेरे पास टाइम ही नहीं रहता बिल्कुल व्लॉग वगैरह बनाने का, दैट्स वाई इतना दिन बाद जो है व्लॉग मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। वैसे ही व्लॉग काफ़ी लेट आ रही थी, ऊपर से अभी ये हो गया। भाई ये माला निकल ही गया। बाकी गाइस अभी निकलने के पीछे और भी काफ़ी सारे रीजंस है, सिर्फ ब्रेक पैड ही चेंज नहीं करवाना, हमें और भी काफ़ी सारे काम है। हमें एक्चुअली GoPro टेस्ट करना है कि ये इसका फाइल जो है करप्ट हो रहा है कि नहीं, बिकॉज लास्ट संडे क्या हुआ था ना, मेमोरी कार्ड थोड़ा सा माल फंक्शन किया था। मेमोरी कार्ड का ही प्रॉब्लम रहता है एक्चुअली, GoPro का प्रॉब्लम नहीं रहता, कभी कभी सपोर्ट नहीं करता। जो पिछला दिन का जितने भी फुटेजेस है वो मैंने फॉर्मेट कर दिया है, अभी देखते हैं प्रॉब्लम हो रहा है कि नहीं, अगर नहीं तो एक और मेरे पास मेमोरी कार्ड पड़ा हुआ है तो वो यूज़ करना पड़ेगा। बिकॉज कल यार हमें GoPro एकदम सही सलामत कंडीशन में चाहिए, कल है KTM Pro XP Urban Escape एंड यहाँ पे देख सकते हो जैम लग चुकी है। बाकी रास्ते यार कितने ख़राब है और यहाँ पे बीच बीच में ऐसे लोग, भाई इन्हें गाड़ी घुमाने का और कोई जगह नहीं मिलता, रोड में जैम लगा देंगे। ये देख सकते हो गाइस यहाँ पे पातीपुर का जो ये रास्ता है ये सीधा एक्चुअली मेरे घर के सामने जाता है, बट ये ना एकदम पतला सा गली है इसलिए आज मैं यहाँ से नहीं आया, बट यहाँ पे सेम कंडीशन गाइस देख सकते हो। दुर्गा पूजा आ रहा था, यहाँ पे हर जगह आपको पंडाल बनते हुए दिखेंगे, अच्छा लगता है, पूजा पूजा वाइब्स आता है,
बट थोड़ा डर भी लगता है बिकॉज हमें बाइकर लोग, एंड जैसा सुबह सुबह हमारे साथ एक हादसा हुआ था, वैसे हादसे होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं क्योंकि रास्ते में कीले गिड़े रहते हैं। बचपन में यार साइकिल काफ़ी बार पंचर करवाया पर वो 2-3 रुपये में ठीक हो जाते थे, या मैक्सिमम 10 आई थिंक। पंचर का कितना रहता है कोई एग्जैक्टली याद नहीं है ट्यूब वाला का, बट गाइस ट्यूबलेस का एक एक पंचर ठीक करने में 90-120 ऐसे लग जाते हैं। मेरी मानो तो थोड़ा अच्छा क्वालिटी का पंचर किट लगाओ, बिकॉज मैंने आज सुबह आपको 2 पंचर दिखाए थे, एक्चुअली एक पंचर था और एक जो था लीक था, वो लीक जो है पिछला वाला जो मैंने पंचर ठीक करवाया था वहाँ से हो रहा था। सो इसीलिए आप जो पंचर किट लगा रहे हो उसका क्वालिटी भी इम्पॉर्टेंट है। बाकी अभी कुछ दिन पहले ना एक भाई ने मुझे इंस्टाग्राम में मैसेज किया था कि भैया ब्रेक कितना किलोमीटर बाद चेंज करना चाहिए, यानी ब्रेक पैड्स, उसका मैं आप लोगों को बता दूंगा इसके ब्रेक पैड आपको 1 किलोमीटर वाइज चेंज नहीं करवाना है। ब्रेक पैड आपको चेंज करवाना है 2 कंडीशन में, या तो आपकी ब्रेक पैड्स पूरी ख़त्म है, यानी यहाँ पे मैं अपना वाला वीडियो अटैच करके दिखा रहा हूँ, यानी ऐसा जब कंडीशन है जब ब्रेक पैड्स आपकी पूरी ख़त्म हो तब आपको चेंज करवानी है, या फिर ब्रेक आपकी स्टिफ हो गई है। अब स्टिफ वो कैसे पता चलेगा, आपके डिस्क में एक्चुअली स्क्रैचेस आना शुरू हो जाएंगे, यानी कि ऐसे मार्किंग आने शुरू हो जाएंगे बिकॉज वो ब्रेक पैड्स अभी पूरा हार्ड हो चुका है। तो ये 2 कंडीशन रहते भैया। शुरू शुरू में जब आप लोगों को याद होगा कि मेरे RC 200 में फ्रंट में 200 की ब्रेक पैड्स लगी हुई थी, तब बहुत जल्दी वो मतलब स्टिफ हो जाती थी, बट अभी जब से 390 वाली लगाई है तब से वो नहीं होती। तो ये सब कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। ये देख सकते हो गाइस KTM के ऊपर ट्रैम का जो सर्विस सेंटर है, सर्विस सेंटर नहीं सॉरी शोरूम है, वो आ चुका है। कल हमारा यही से राइड स्टार्ट होने वाला है KTM Pro XP Urban Escape, सो उसका भी ब्लॉग आएगा, सो चैनल पे बने रहो। बाकी सुबह सुबह मौसम कुछ ऐसे एंड काफ़ी सुहाना वेदर हो रहा है, बारिश आज सुबह से हो रही थी बट अभी नहीं हो रही, सो इसीलिए काफ़ी मज़ा आ रहा है बिकॉज ठंडा ठंडा वेदर है अभी, एंड मेरा एक माला उड़ चुका है यहाँ पे जब मैं फ्लाईओवर में भगा रहा था। एंड ये देख सकते हो गाइस ये लीवर यार लास्ट वाला ब्लॉग में मैं दिखाया था आपको लूज हो चुकी है। सो गाइस पहुंच गए KTF सर्विस सेंटर चिनार पार्क। सो गाइस अपना काम हो चुका है एंड ब्रेक पैड्स चेंज हो चुकी है। बाकी देख सकते हो चिनार पार्क के यहाँ पे कितना गंदा वाला जैम लग चुका है, ये पूरा सिग्नल तक है जैम। सो अभी हम लोग ये वाला रास्ता नहीं लेंगे। बाकी यहाँ पे फुटेज अटैच किया हुआ है, देख लो पुराना ब्रेक पैड में और इस ब्रेक पैड में क्या डिफरेंस है, कैसे आप लोग को पता चलेगा कि ब्रेक पैड्स घिसी है कि नहीं। यहाँ का यही एक चीज़ मुझे अच्छा नहीं लगता, ये जो यहाँ पे गंदा वाला एक जैम लगता है। खैर यहाँ पे एक अंदर वाला रास्ता भी है जो जाके निकलता है सीधा कैखाली से, सो VIP रोड हम लोग कैखाली से होके निकलेंगे, और ये जो रास्ता ये थोड़ा गली वली के अंदर से है। बाकी गाइस वंस अगेन यू कैन सी रास्ते में पानी भर चुके हैं बिकॉज अभी जब हम सर्विसिंग में थे तब बारिश हो रही थी, एंड वेदर है अभी का ऐसा ही है, एकदम अनएक्सपेक्टेड बारिश आ रहा है, तो इसलिए मैं बाइक वॉश नहीं करा रहा हूँ। एक ही बार वॉश किया था इंडिपेंडेंस डे राइड से पहले, एंड उसके बाद अभी तक मैंने वॉश नहीं किया। बस जो चीज़ रेगुलर करनी चाहिए वो है चेन क्लीन, चेन ल्यू। अगर आप 500 किलोमीटर में करवाते हो तो अभी आप लोग को उसको 200 या 250 किलोमीटर में करवा लेना चाहिए, क्योंकि चेन बहुत जल्दी गंदी होती है, बहुत जल्दी ड्राई हो जाती है, बारिश का पानी में रस्ट बहुत जल्दी लगता है। सो गाइस चिनार पार्क को बाईपास करके हम लोग अभी निकल रहे कैखाली से, देख सकते हो कितना खाली खाली में निकल गए। बाकी गाइस जो चीज़ टेस्ट करने निकले थे वो हो चुका है, एंड यस GoPro अभी तो ठीक ठाक काम कर रहा है, GoPro मैं फिर भी ऑफ नहीं कर रहा हूँ घर जाने तक। व्लॉग मैं ज़्यादा लंबा नहीं खींच रहा हूँ अभी यार, उतना कुछ है नहीं आप लोग को दिखाने को। एंड अभी घर जाके एक और बाइक है जिसकी ब्रेक्स गई हुई है, उसको भी मुझे देना है लोकल मैकेनिक के पास। जी अपना जो TVS Star City Plus है उसमें बारिश के टाइम में थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है, ब्रेक्स उसमें अटक जा रहा है, तो उसको भी मुझे देना है सर्विस सेंटर में, काफ़ी काम है यार। बाकी इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते, सो गाइस वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, चैनल पर नए हो तो डू सब्सक्राइब, बाकी इंस्टा हैंडल नीचे वालों को फॉलो कर सकते हो। मिलते हैं एक और वीडियो का व्लॉग में, तब तक राइड सेफ, जय हिंद, वंदे मातरम।